अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज की वीडियो इज़ रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट विच यू कैन यूज़ एज अ ट्रैवलिंग किट, ट्रैवलिंग ऑर्गेनाइजर, ट्रैवल एसेंशियल, एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट्स अ मस्ट हैव फॉर एवरी पर्सन हु इज़ अ रेगुलर ट्रैवलर। सबसे पहले देखें, इट हैज़ फोर डिफरेंट सेक्शंस। आई विल ब्रिंग इट अ लिटिल बिट क्लोजर। इसमें चार डिफरेंट सेक्शंस हैं एंड इट हैज़ दिस नूजल विच मूव्स ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो इट ओपन्स अप लाइक दिस और इसके अंदर आप ये देखें चार डिफरेंट बॉटल्स हैं, ईच वन ऑफ 30 ml विच यू कैन यूज फॉर योर लोशन, फॉर योर क्लींजर, फॉर योर टोनर, फॉर योर सीरम, एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू ट्रैवल विद। ठीक है, एंड इफ़ यू ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ टॉयलेटरीज देन आप ऐसे दो तीन ले लें और आपकी जो है ना लाइफ विल बी सॉर्टेड। अब इसके अंदर ये देखें टॉप पे इसका स्विच भी है जिसको आप प्रेस करें तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आई विल शो यू। आई विल ऑल्सो यूज़ द प्रोडक्ट्स इन इट्स फॉर माई टूडेज क्लींजिंग सो everyone can see how to use it. अच्छा जी, so now अब इसकी यहाँ पर आप जब इसे ऐसे करेंगे तो ये नोज़ल इसकी लॉक हो जाएगी और जब आपने यूज़ करनी है कोई प्रोडक्ट तो आप उसको उसकी तरफ मूव करेंगे एंड देन इट विल हैव एन ओपनिंग हेयर और ये जो है आपको ईजीली आप इसमें से जो भी प्रोडक्ट आपकी है वो निकाल सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल शो यू, आई विल टेल बोथ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो कीप वॉचिंग। नाउ इसके साथ ही एक लेबल्स का सेट आता है जिसमें आप यहाँ पर उसका लेबल लगा सकते हैं, यानी कि दिस स्टिकर वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय देम। जैसे कि मैंने ये इसके ऊपर फेशियल क्लीन लगाया हुआ है एक्चुअली द स्टिकर। सो यहाँ पे आप लेबल स्टिक कर सकते हैं और नीचे इसके जो है वो क्वांटिटी आ रही है कि कितने ml है। इसी तरह से अगर आप ये देखें तो मैंने इस पर टोनर का लगाया हुआ है। दिस इज़ द एरिया जहाँ पर आपका लेबल विजिबल होगा एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पर आपकी जो है वो रिमेनिंग क्वान्टिटी विजिबल होगी। सो इफ़ यू वॉन्ट आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इसमें से एक निकाल के एक कॉटन के ऊपर यूज़ करें, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्टली ये जिसके ऊपर पम्प है आप इसको इस पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसी बटन को प्रेस करके वो यूज़ करें। सो वॉट आई हैव फाउंड इज़ कि देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जो कि आप अगर इसमें ऐसे यूज़ करते हैं तो वो इसके अंदर भी थोड़ा सा लिक्विड उनका रह जाता है। सो वो मैं बताऊँगी आपको, वो आपने वो उनके लिए मैं प्रोडक्ट निकाल के यूज़ करती हूँ। सो आई विल बी डूइंग माई क्लींजिंग यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव इन दिस पर्टिक्यूलर ट्रैवल किट, बिकॉज मैं जब नॉर्मली ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मुझे इसी तरह की कोई चीज़ चाहिए थी एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन ट्रैवलिंग, क्योंकि आई डोंट हैव टू कैरी सो मेनी थिंग्स अराउंड, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द नंबर ऑफ बॉटल्स आई एम कैरिंग, और मुझे ये भी फिक्र नहीं रही कि इसको ये लीक ना हो जाए, क्योंकि इसको आप जब इस तरह से मूव कर लेते हैं एंड देन आई पुट इट इन अ जिप लॉक बैग तो फिर ये लीक नहीं हुआ, यानी अगर मैं इसको ऐसे बंद कर लूँ लाइक दिस तो फिर ये लीक भी नहीं हुआ। नाउ आई विल बी यूजिंग माई टोनर, और टोनर जो है वो मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि वो मैं जब इसमें से पम्प करती हूँ ना तो इट्स सम ऑफ द अमाउंट गोज बैक और वो फिर नीचे से थोड़ी सी ना इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड जमा हो जाता है। सो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं वो चीज़ पसंद, बट दिस हैपन्स ओनली विद माई टोनर। सो व्हेन आई एम यूजिंग माई टोनर आई गेट इट आउट, आई गेट द कंटेनर आउट एंड यूज इट ऑन माई कॉटन एंड देन आई put it back in this. अच्छा, अब this can be possible either you know this can be possible because of maybe the product itself, यानी कि टोनर की शायद अपनी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि वो थोड़ा सा अंदर चला जाता है, या मे बी दिस पर्टिकुलर कंटेनर ये वाला जो है ये शायद थोड़ा सा फॉल्टी है, मे बी हर एक पीस का ऐसा ना हो, लेकिन ये मेरे पास जो पीस है उसमें थोड़ा सा ये ऐसा है कि टोनर जिसमें मैंने रखा हुआ है ना वो थोड़ा सा लिक्विड उससे अंदर चला जाता है अगर मैं
यहाँ से पम्प करती हूँ, यानी कि यूजिंग दिस. अदर देन दैट बाकी मुझे किसी चीज़ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं सारी ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ. सो टोनर यूज़ करने के बाद आई एम यूजिंग माई सीरम, दैट इज़ इन द थर्ड कंटेनर. सो फॉर सीरम आई विल जस्ट मूव इट, मूव द नोजल टू द सीरम साइड एंड आई पम्प इट अप अ लिटिल बिट एंड देन आई विल यूज इट ऑन माई फेस. As a last step, I'll be using my aloe vera gel, जो कि मैंने इसमें डाली हुई है as a moisturizer. I'll take that out. Only two pumps will be enough. So now coming to this product, this is a very good product. I totally recommend it, especially for the people who are traveling. इसकी price थी ₹1000 और 1100. Shipping was additional. एंड ये मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज से ली थी जिसका नाम जो है वो फ्रैंकिंस्टा स्टोर है. एंड आई विल बी टैगिंग दैट इंस्टा स्टोर इन माई डिस्क्रिप्शन बिलो. सो आई वुड रिकमेंड दिस. थोड़ा बहुत ये कि इसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी कभी अंदर चली जाती हैं, विच इज़ अंदर चली जाती हैं यानी कि वैन यूर पम्पिंग. सो उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह का है कि अगर आपको जो है ज़रा सा एक दफ़ा आपको लगे कि कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि वापस इसमें जा रही है या मे बी इट्स कॉजिंग अ लिटिल बिट ऑफ मेस इनसाइड, तो आप वो वाली जो है निकाल के यूज़ कर लें. जैसे कि मैं अपने टोनर को निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है. और अगर आप चाहें तो आप इन सारों को भी मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पम्प आप इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं, बट एटलीस्ट दे विल बी स्टेइंग कॉम्पैक्ट एंड दे विल बी यू नो सेफ फ्रॉम लीकिंग और एवरीथिंग. एक ही चीज़ में रहेंगे और पम्प वो बॉटल है, सो इट विल बी सेफ फॉर ट्रैवलिंग. सो आई रियली रिकमेंड दिस. प्राइस भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, सो आई थिंक इट्स अ गुड टू ट्राई प्रोडक्ट. एक आप ऐसे अलग से लेके रख सकते हैं जिसमें आप सिर्फ शैम्पू कंडीशनर मे बी योर फेस वॉश और ऐसे यानी वॉशरूम रिलेटेड चीज़ें ले रख लें. एक आप क्लिनजिंग के लिए रख सकते हैं. सो आई थिंक दिस कैन बी रियली हेल्पफुल अगर आप को ट्रैवलिंग के लिए इजी एंड कॉम्पैक्ट चीज़ चाहिए इंस्टेड ऑफ कैरिंग अराउंड मल्टीपल बॉटल्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. ये आपको जो है वो एक कॉम्पैक्ट चीज़ मिल जाएगी. सो मैं तो इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ. इवन माई सिस्टर इज़ रियली सेटिस्फाइड. शी इज़ बीन यूजिंग दिस फॉर हर ऑफिस बैग. वो ऑफिस बैग में उसने एक ही रखा है जिसमें वो अपनी सारी उसकी There's certain skin regime that's recommended by her dermatologist. So वो उसको उसमें सारी products उसने रख के तो वो इसी को ही carry around करती है अपने office bag में and it's really convenient for her also. So मैं इस product को recommend करती हूँ और I would really suggest के people who are traveling or people who like to carry compact things should definitely give it a try. अगर ये video आपको पसंद आई है तो like और share ज़रूर कीजिएगा. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल मारियाज़ पिंक लाउंज. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.